सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे ही श्रोतिया जी आयान। सिद्धू कैप्टन दी च रही कलेश दौरान हुणे हुणे दोहां लई आई है माड़ी खबर। खबर न शुरू करन तो पहला जिन्होंने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन, तो वीडियो में वो लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन च है, उत्थे जाके तुसीं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते। हाँ, पंजाब की सियासत इस समय पूरी तरह गरमाई हुई है, जिथे सारिया सियासी पार्टियां वालों अगले साल होने वाली 2022 विधानसभा चोणें तैयारियां की जा रही ने। जिथे पिछले कुछ समय तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के विचकार खिचोतानी चल रही थी, उत्थे ही वह हुण खत्म हो गई है। नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रधान नियुक्त कर दिता है। उत्थे कांग्रेस विच सिद्धू ते कैप्टन की चल रही कलेश के दौरान एक वड्डी खबर सामने आई। कांग्रेस पार्टी अज उस समय वड्डा झटका लगा जो कांग्रेस पार्टी के जिला कपूरथला के हलका पुथल तो कांग्रसी उम्मीदवार रणजीत सिंह राणा ते यूथ कांग्रेस के प्रधान हरसिमरत सिंह घुम्मण अपने समर्थकों नाल कांग्रेस पार्टी नूं तगड़ा झटका दिंदे आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए। इस ऐलान नाल जिथे कांग्रेस पार्टी नूं वड्डा घाटा पिया है, उत्थे आम आदमी पार्टी नूं मजबूती मिली है। पंजाब विच आम आदमी पार्टी का काफिला दिन ब दिन वधदा जा रहा है। 2017 विच रणजीत सिंह राणा हलका पुथल तो कांग्रेस पार्टी च चोण लड़ रहे सन। उन्होंने हल्के तो हज़ारा समर्थक उन्होंने नाल हैं। एडवोकेट हरसिमरत सिंह घुम्मण ने भी आख्या है कि पंजाब के बहुगिनती लोगों वाग वह भी अरविंद केजरीवाल वालों किए गए कामों तो प्रभावित हुए, जिस कारण भ्रिष्टाचार खत्म मुक्त अते लोक हितोषी सरकार बनाने के लिए बहुत यत्नशील है। इन्हां अगुआ का आम आदमी पार्टी पंजाब मामलों के इंचार्ज ते दिल्ली के विधायक राघव चड्डा, विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा अते पार्टी के सूबा जनरल सकत्र हरचंद सिंह बरसड़ ने पार्टी के मुख दफ्तर विच रस्मी तौर पर स्वागत किया। इन्हां सब का स्वागत करदे इंचार्ज राघव चड्डा ने आख्या है कि पंजाब की खुशहाली लई भारत विच आने वाले सारे सज्जनों का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। उत्थे ही उन्होंने कहा है कि हुण पंजाब के लोग समझ लग गए हैं कि कौन सी पार्टी पंजाब की खुशहाली चाहती है। खबर नूं लाइक देखने लई तुहाडा बहुत